और देखिए दोस्तों, मैंने थोड़े कबूतर भी उड़ाए आज, और ये तारा अपना उड़ रहा है यहाँ पे। ये देख पा रहे हो, कबूतर यहाँ पे अभी बैठ चुका है ठीए के ऊपर, और ये उड़ रहा था थोड़ा ऊपर तक। मैंने नीचे ऊपर किया इसको, दो तीन दिन कैसा हो गया था, मैंने उसको ज़्यादा उड़ाया तो बहुत ही ऊपर चला गया था। फिर तो अभी जो है ना, मैं थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसको उतारने की। उसको उतारते नहीं आता है, और यहाँ से ऊपर से मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि कबूतर कैसे उड़ाने के बाद में एकदम से उनके ऊपर से कबूतर दिखते नहीं है, तो ये डायरेक्ट उतर जाते। और अभी मौसम भी हमारा इधर का कैसा हो गया था, बदल बदल आ गई थी, बोले तो बादल आ गए थे, तो और बारिश भी हो रही थी थोड़ी सी, इसलिए जो है ना, फिर मैंने ऊपर से भी बंद कर दिया। और मैंने बोला जब कबूतर उड़ाते हैं अपन, तो इनको एकदम से कबूतर दिखते ना नीचे के, तो ये सीधे सुर मार देते और उड़ते नहीं है। अभी दो तीन अट्टा भी गेड़े भी नहीं लेते, दो तीन गेड़े नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, और वैसे ही जो है ना सीधा आके एकदम सुर मार के जो है पिंजरे के ऊपर बैठ जाते। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने छोड़े हुए यहाँ पे एक कबूतर बैठा हुआ है, दो कबूतर इधर है, और एक कबूतर यहाँ पे आके बैठ चुका है। अभी ये नीचे नीचे से उड़ता है, इसके पर जो है मैंने चिपकाए हुए हैं तीन तीन पर बाहर के। ठीक है, तो ये सफ़ेद हो, सफ़ेद सीना अपने घर का जो निकला हुआ था ये है वो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे तीन कबूतर इधर बैठे हुए हैं, मैंने जो छोड़े अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उधर की साइड में चल जाते हो तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे चार कबूतर बैठे हुए। ठीक है, ये चार कबूतर यहाँ पे बैठे हुए टीन के ऊपर, एक कबूतर वो उधर बैठा हुआ है, दो कबूतर वो छतरी पे बैठे हुए। ठीक है, तो आइए दोस्तों अभी इनको अंदर कर लेते हैं अपन, और कबूतरों को दाना डालता हूँ मैं। आज की वीडियो अच्छी लग रही होंगी, अभी वीडियो आप देख रहे होंगे अच्छी लग रही होंगी, तो लाइक करें वीडियो को दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, शोक करे कबूतर का अपना, उतर जो है वो कर रहा है, वो अभी घर के ऊपर बैठ चुका है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, आ गया अभी सामने। ठीक है, तो ये कबूतर है इधर आ चुक अपना, ये यहाँ पे नीला बैठा हुआ, इसको भी उड़ाया दोस्तों, नीचे नीचे से उड़ रहे थोड़े थोड़े। ठीक है, और वो दोनों ऊपर बैठे हुए देख पा रहे होंगे, लाल चीना बच्चा और वो, ये सेट हो जाएंगे दोस्तों, ये सेट हुए हुए हैं। वैसे तो किधर जा नहीं रहे कबूतर वालों के घर पे बैठ नहीं रहे, बाजू बाजू अपने घर पे लगाते, समझदार कबूतर है अपने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अभी इनको उतारते हैं अपन, और जो है पिंजरे के अंदर अंदर जो है मैं करता हूँ इनको। ठीक है, ये वाले कबूतर को और ये दोनों को। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों, मैं इनको भी करता हूँ बंद, उतार लेता हूँ जल्दी, उसे कैसा फिर शिकरे विकरे आएंगा। और ये देखिए बच्चा इधर उतर चुका है सामने अपने, ये देखिए दोस्तों अंदर जाने के लिए गड़बड़ कर रहा है कबूतर ये, तो इसको अंदर कर देंगे। क्या मालूम है क्या बीमार हो गया, क्या हो गया, क्या मालूम। वर जा, तो देखिए दोस्तों, शुगल लगा हुआ है, शुगल मेला आप शोक कर पा रहे होंगे, ये नीला कबूतर अपना बड़ा वाला। ठीक है, कबूतर जो है ना इधर से अंदर आने की फिर कोशिश करते रहेंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ पे पिंजरे के ऊपर बैठा हुआ है, वो उधर एक बैठा हुआ है कबूतर अपने घर की तरफ ही, घर के पास में बैठते, इधर उधर ज़्यादा दूर जाते नहीं, ये कबूतर यहाँ पे है। और ये देखिए अंदर आने वाला है बच्चा, ये तो अंदर खुद से आ जाते दोस्तों, अभी मेरे को हकालने की गरज नहीं है। देखिए दोस्तों आ चुका है दोस्तों, ये जागदवाज के बाजू में बैठ कबूतर जो है ये उतर चुका है, और दूसरे भी आने वाले। आ आ आ आ आ आ, दूसरा भी आ गया है दोस्तों, ये देखिए जाली पे चिपक गया है, ये भी आ चुका है, इसको भी समझ में आ गया है कि यहाँ से अपने घुसना पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, शोक करें देख पा रहे आप कि कबूतर अपने जो है अभी आ रहे हैं, बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो एक कबूतर ये उतर चुका है अपना चीना, सफ़ेद चीना पीलंग का, पीली आँख वाला कबूतर, और इधर से कबूतर आ रहा था दोस्तों, ये अंदर से जो है ना बाहर निकलने के फिराक में रहती है कबूतर अपनी। अंदर वाले कबूतर देखते दोस्तों कि कबूतर कहाँ से आ रहे, तो ये पर पे है दोस्तों, और रमे हुए नहीं है, तो वो निकल जाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे तो अपना काम का वादा हो जाएगा। ये दोनों आ चुके हैं दोस्तों, ये देखिए जागती ना बच्चा भी जो है ना वहाँ पे चिपक चुका है। ठीक है दोस्तों, तो शोक करे कबूतर का, देखिए वो बाहर निकलेगा बच्चा, राक्षीना बच्चा ही बाहर निकलेगा, वो जो तेलिया बच्चा है वो भी बाहर निकलने के फिराक में ही है दोस्तों। और यहाँ पे नीला नाच रहा है, वो वहाँ पे इधर से दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, वो देखिए दोस्तों कबूतर। तो चलिए उनको मैं अभी अकलता हूँ अंदर के साइड में, तो देखिए दोस्तों नीला आ चुका है उधर के साइड में, हरा कबूतर अपना, तो डालता हूँ मैं अंदर, उड़ गए तो ये आते हैं दोस्तों। मैं देखता हूँ, थोड़ा बैठ नहीं देता हूँ, और वापस बाद में जो है मैं इनको बंद करता हूँ। ठीक है, नहीं तो अंदर का बाहर निकल जाएगा कोई कबूतर बड़ा। ठीक है, तो
जब मैं इनको अंदर करूँगा तब कंटिन्यू करूँगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इधर आ चुका हूँ थोड़ा प्लेटफॉर्म पे अपने, और उधर मैंने दाना डाला हुआ है, और ये देखिए नीला कबूतर जा रहा है अपना अंदर, और चला गया दोस्तों एक कबूतर अंदर, ठीक है। तो उधर से भी कबूतर वो दोनों बैठे हुए ठीये के ऊपर अभी, बढ़िया। और ठीये की पहचान हो चुकी है दोस्तों उनको, कि लाल छतरी के ऊपर अपने को बैठना पड़ता है। और ये देख पा रहे होंगे बच्चा आ रहा है नीचे, और इसके पीछे वो आ जाने को ना, क्योंकि वो जो है ना ऊपर भाग जाता फिर, तो उसको उतारने का प्रॉब्लम है दोस्तों। ये अभी घर पे बैठ रहा है, देखिए दोस्तों आ रहा आ रहा आ रहा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया दोस्तों आ गया। और वो बैठ गया अपने धूप वाले पिंजरे के ऊपर, क्योंकि उसको मालूम है कि अपन को पिंजरे के अंदर डाल के जो है वो रखते भाई दिन भर। तो ये लालचीना बच्चा भी आ रहा है दोस्तों, आ चुका है नीचे पन्नी के ऊपर, ठीक है। और देख पा रहे होंगे अपने जो लालचीना बच्चा देख रहा है नीचे, और ये चला जाएगा अंदर। और मैंने इसको टीन बांधा हुआ है ऊपर से, मैंने लोग गेट खुलना चाहिए ना इसलिए। तो देखिए दोस्तों शोक करे बच्चा जाने वाला है अंदर, बने रहे वीडियो में, स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखा करें। देखिए आप भी ऐसा ही सेटअप आपके घर पे बना के आप कबूतर उड़ा सकते हो आपके घर के, आपके घर पे जगह नहीं होगी तो, ठीक है। तो मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ अभी, आप देख पा रहे होंगे मैंने कबूतर उड़ाए भी, और सब कबूतर मेरे घर पे आ चुके हैं, क्योंकि जो है ना जोड़े अपन ने अच्छे लगाए, बच्चे अच्छे जोड़ों के बच्चे हैं दोस्तों ये, बोले तो नस्लदार है कबूतरों के बच्चे जो है मैंने निकाला हुआ है, बढ़िया। देखिए दोस्तों लालचीना बच्चा भी जो है अंदर चला गया अभी, और ये जो है ना थोड़ा परेशान होता हुआ कबूतर अपने घर का, ये तो बॉडी शेप देख सकते हो दोस्तों इसकी जो है ना, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, कि देखिए दोस्तों बॉडी शेप देखिए, परों की साइज बोले तो परों की शाइन देखिए, क्वालिटी देखिए, खड़ान की परों की जो है ना बाजू की शाइन देखिए दोस्तों, और आँखों की क्वालिटी भी देख सकते हो आप दूर से, आपको समझता होगा कबूतरों का कुछ तो, ठीक है। अभी कबूतर जो है ना उधर से देख रहा है, वो भी चला जाएगा अंदर, ठीक है। तो शोक करे दोस्तों कबूतर का, ये देखिए सफ़ेद चीना कबूतर है दोस्तों, दो तीन दिन बाहर रहा हुआ है कबूतर है, और उस दिन उड़ गया था, बहुत ऊपर चला गया था और निकल गया था थोड़ा इलाके से बाहर चला गया था, फिर भी जो है साढ़े तीन बजे जो है मेरे पापा बोल रहे थे कि आके बैठा हुआ था बोले पिंजरे के ऊपर, ठीक है। तो उससे पहले जो है ना छतरी पर बैठा होगा, इस पर बैठा होगा छतरी पर, और बाद में जो है वो नीचे उतर आऊँगा, ठीक है। और फुल पर पे कबूतर है, फुल पर पे जो है मैं उड़ा रहा हूँ अभी, दो तीन दिन मैंने बांध के रखा, चौथी दिन जो है इसके पर भी जो है ना खोल के जो है ना मैंने उड़ाना चालू कर दिया था इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये देख पा रहे होंगे सामने आ चुका है, आपको जो है ना शोक करा रहा है ये, ठीक है। तो बने रहे आप वीडियो में, जाए ना स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखा करें दोस्तों, और शोक करें कबूतर का। देखिए ऐसे होते कबूतर जो सही उड़ान वाले कबूतर होते हैं जो, और इस समय मैंने बचपन में नहीं उड़ाया था दोस्तों, 10 पर साफ करके उड़ा रहा हूँ मैं, फिर भी जो है ना इसकी उड़ान में कुछ फर्क नहीं है, और सीधा भागता है अच्छे से, उड़ता भी बढ़िया तरीके से है दोस्तों, ठीक है। तो देख पा रहे होंगे आप कबूतर जो है नीचे उतरने के फिराक में है, पर नहीं जम रहा है उसको। तो मैंने सोचा कि इसको इधर की साइड में नीचे पट्टियाँ बांधूंगा मैं थोड़ी, जिससे कबट्टी के ऊपर कबूतर घुसे और नीचे छलांग मार दे, वैसे करने वाले अपन, ठीक है दोस्तों। शोक करें आप कबूतरों का अपने बेहतरी, देखिए दोस्तों इसका भाई जो है दोस्तों नेवले ने खा लिया, वो इससे भी जो है ना खाता, इससे भी खतरनाक था दोस्तों वो, जो इसका भाई था जो नेवले ने खत्म कर दिया वो, और उसकी वजह से जो है ना फिर अपन ने कॉन्क्रीट भी डाल दिए नीचे का, ये तो वैसे ही रहता था ना। दोस्तों ये कबूतर जो है ऊपर जो था वो नीचे आ चुका है, और मैंने वीडियो बहुत बड़ी होने के कारण मैंने बंद कर दिया था, और ये जो है नीचे कूद गया, फिर मैं उधर से इधर आया और ये नीचे चला, इधर जाली को चिपक गया था, और अभी नाच भी रहा है दोस्तों, देखिए शोक करे। देखिए दोस्तों घर पे आने की खुशी जो है कबूतर को होती है, क्योंकि घर कैसे वो भी परेशान हो जाते हैं दोस्तों, ज़्यादा दूर चले गए घर के इलाके से बाहर चले गए तो वो भी परेशान होते हैं फिर, और भैरियों को भी टेंशन होता है अभी के ठंड के मौसम में जो है ना, बाज़ चीले पकड़ती है ना, झाँप मारती है दोस्तों, तो फिर उसमें भी थोड़ा कबूतरों को परेशानी होती है, ठीक है। तो ये तीन बैठे हुए हैं ऊपर, और इनको नीचे करता हूँ मैं अभी, और फिर जो है कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है दोस्तों।